किसी भी कंपनी को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप बेहतर तौर पर एक्सेल कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अंदर मैं आपको आज गाइड करूंगा कि हाउ टू बी अ बेटर इंजीनियर। देखते हैं उसके अंदर, हर कोई ये चाहता है बेसिकली, हर किसी की ये यही होती है कि वो अपनी कंपनी को सबसे बेस्ट अपना परफॉर्म करते थे। और ये कहने के जी ऑसमनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी के ऊपर इंसान की तारीफ भी की जाती है, प्रेज भी होती है, और इंसान किसी का भूलता बेसिकली। तो उसको कैसे किया जाए, बेसिकली डिफरेंट जो पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरा, उसी को यूटिलाइज करते हुए मैं आज आपसे ये शेयर करूँगा कुछ चीज़ें। बेसिकली अगर इस स्लाइड पर देखें, व्हेन एवर यू आर गेटिंग स्टार्टेड और यू आर रेडी टू मूव फ्रॉम द टॉप, इट विल बी अ ह्यूज हेल्प फॉर यू फॉर योर कैरियर एंड ओनली टेक अ लिटिल टाइम टू फ्लिप। बेसिकली इसके अंदर ये है कि ये इन अ डे और टू ये स्ट्रगल नहीं है, एक दो दिन की, आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ती है टू रीच अप टू द टॉप। तो वो कंटिन्यूस एफर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली रिक्वायर्ड है, ये तो ये याद रखें कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में एक्सेल करना चाहते हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आपकी जो इनपुट है वो एक या दो महीने या लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होगी, ये कंटिन्यूस एफर्ट होगी आपको। और इस एफर्ट के अंदर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा वो हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। तो सो व्हाट स्किल्स डज वन नीड टू डेवलप टू बी अ सुपरस्टार इंजीनियर। तो मैं यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके ख्याल में कितने डिफरेंट तरह के स्किल्स हैं जो कि एक इंजीनियर को इक्विप करने चाहिए या उसको आने चाहिए। प्लीज़ अगर कोई आंसर करना चाहता है तो हेलो बिलाल साहब, मेरे ख्याल में हमने सबको म्यूट किया हो। वैसे बिलाल साहब, सर साहब आप अनम्यूट कर दें, आपके पास अगर कंट्रोल है इसका। चले मैं अनम्यूट कर देता हूँ किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेज कर दे तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो If you have any question regarding this, you can raise your hand. जी, मैं बेसिकली आंसर सुनना चाह रहा हूँ स्टूडेंट से कि कितनी तरह के स्किल्स हैं, वो क्या समझते हैं कि प्रोफेशन के अंदर जाने के लिए। इसको कर दो। तो अभी हम जो स्किल्स की बात करेंगे वो ऑब्वियस हैं और हर एक को वो स्किल के बारे में नो हाउ भी होती है, तो उसके अंदर हम देखते हैं इंशाल्लाह करते हैं। तो ऑब्वियस स्किल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है टेक स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें आजकल के जो दौर चल रहा है उसके अंदर टेक्नोलॉजी से नो हाउ होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देता चलूँ तो आई थिंक इन 2011 प्राइमर वीरा का जो वर्जन था वो हम जिस पर वर्किंग कर रहे थे वो 8.1 था, और अगर अभी 2020 की बात की जाए तो आई थिंक 19.8 या 20th प्राइमावीरा का वर्जन आ गया। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन होना, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी का चेंज होना, फीचर्स का इंक्लूड होना, तो हाँ, एक इंजीनियर को उससे नो हाउ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह हमारी जो ईज ऑफ डूइंग वर्क अ सर्टेन एक्टिविटी वो हमारे आसान करते जा रहे हैं, उसी तरह हमें नो हाउ उनके मुतालिक होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सॉफ्टवेयर है उसके बैकएंड पे क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, किस तरह के एल्गोरिदम्स हैं, किस तरह के डिज़ाइन को स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। एक इंजीनियर का उसके ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को जो इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है उनको ग्रिप करना, उनको ग्रिप करना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और आजकल के इंजीनियर्स के अंदर होना चाहिए। हार्ड टेक स्किल्स ये इसको डील करते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि एक स्टूडेंट ने भी यहाँ पर मेंशन किया था कि एक इंजीनियर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह डिज़ाइन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर
डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आपको आपको उससे बचना पड़ेगा. लेट्स से अगर आपने कोई डिज़ाइन करके भेजा है और कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑन साइट जो है वो आपके डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जो है या वो जो पैरामीटर्स हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर रहे, तो आपको अकॉर्डिंग टू द साइट आपको दोबारा से अपने डिज़ाइन को री अमेंडमेंट करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब है कि डिज़ाइन के अंदर भी आपको प्रॉब्लम जो फेस होगी उसको सॉल्व करना है, किस तरह से इसको टेकअप करना है, और इस तरह साइट के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन के दौरान डिफरेंट आपको जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं उसको सॉल्व करना, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिसको हम यहाँ पे अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम जुगाड़ भी कहते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इंजीनियर का जुगाड़ू होना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसकी आप प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे तो फर्दर आगे जाके आपको स्किलफुल हो सकती है. But there are other skills that people tend to overlook. कुछ ऐसे ही है तो obvious हमारे skills थे जिसको हर कैसे कर सकते हैं कि अपने आप को कर सकें कि हम ये जो आपने last slide पीछे की दिया कि एक मिनट ये हम problem solving किस time किस time इसकी practice कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा question है. इसके अंदर ये है कि आपको different assignments मिलते हैं related to your certain topic, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं. उसके अंदर केस स्टडीज हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. अगर कोई कंस्ट्रक्शन डिलेट से कोई कंसल्टेंसी की जॉब करना चाह रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन की जॉब साइट इंजीनियर की चाह रहा है, जिस तरह की भी कोई किसी की भी रिक्वायरमेंट है, कोई क्लाइंट की तरफ जाना चाह रहा है, तो आप अपने तौर पर डिफरेंट केस स्टडीज को स्टडी करें. तो केस स्टडी के अंदर होता क्या है, आपको सर्टन प्रोजेक्ट के बारे में उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी मिटिगेशन मेजर्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये ड्यूरिंग स्टूडेंट अगर आप हो तो आपकी सबसे पहले आपकी आपका जो फोकस है वो होना चाहिए टूवर्ड्स द लर्निंग फेस एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आपको तरफ होना चाहिए. ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई होप कि मैंने आपका आंसर कर दिया. जी ध्यान कंटिन्यू करें. अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन तीन स्किल्स के अलावा है और जो मैंने आज तक देखा है जो इंजीनियर्स जो हैं उसको थोड़ा सा लैग करते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी वेल इन टेक्निकल नॉलेज, बट अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ आए तो उनके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज पाई जाती हैं, थोड़ी सी झिझक पाई जाती है, हेजिटेशन पाई जाती है, वो थोड़ा सा कम्युनिकेट करने के अंदर थोड़ा सा वो बैकवर्ड चले जाते हैं, जो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक हर्डल साबित होती है. आप कहीं भी जाएँ आप इसको बिना शुबा देखेंगे कि कम्युनिकेट जो इफेक्टिवली कर सकता है, जिसको अपना अब कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये दो जो पॉइंट्स हैं ये इससे क्या मुराद है कि आप अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको दूसरे तक इतनी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली. तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दूसरों को. आगे मैं इसी से रिलेटेड फर्दर आगे इससे सब टॉपिक भी हैं कि कम्युनिकेट इफेक्टिवली किस तरह किया जाए, इसको आगे फर्दर भी है. तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहने पर इतफा करूँगा कि अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें. अच्छा, वो किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, UMT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है. बी अ वॉलंटियर इन दोज इवेंट्स. इवेंट्स के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और अपने आप को आगे लेके आए. और इसके अंदर होगा क्या, कम्युनिकेशन के थ्रू सारा कुछ, तो आपकी ताकि यहाँ पे प्रैक्टिस हो, स्टूडेंट इन्वायरमेंट के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो, तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग की पॉइंट. इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं. चलिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके व्यूज़ को आपके व्यूज़ के बारे में दूसरों को पता होना. मतलब आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यू मस्ट बी एबल टू गिव फीडबैक एंड इंस्ट्रक्शंस टू अदर फ्रॉम योर टीम. आपकी जो टीम के अंदर है, चाहे वो टेक्निकल पर्सन हैं चाहे वो नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, उनको फीडबैक देते रहें, चाहे वो टेक्निकल काम है नॉन टेक्निकल काम है. आपकी इन्वॉल्वमेंट एज अ टीम प्लेयर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
आइसोलेशन के अंदर जो बंदा काम करता है वो बंदा लर्निंग फेज के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। तो आप जब दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों से डिस्कस करेंगे, फीडबैक देंगे, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड पॉजिटिव फीडबैक लेंगे। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर हमें कोई फीडबैक देता है तो हम उसको क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाते हैं। हम समझते हैं कि ये बंदा हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, ये टीचर हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर करें और उसको अपनी इम्प्रूवमेंट, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। तो ये चीज़, ये भी बहुत माइनर सा पॉइंट है लेकिन ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अंदर ये कम्युनिकेट इफेक्टिवली जो मैं आपको पॉइंट बताया था ये उसी के अंदर आता है कि आप स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, मैं इस पूरे को इतना रीड नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि इसकी थीम क्या है। बेसिकली अपने पॉइंट को ट्रांसफ़र, अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है, और किस तरह से ट्रांसफ़र करना है कि वो मिनिमम से मिनिमम वर्डिंग के अंदर हो। बेसिकली आपको ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस इंसान को कितना नॉलेज आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। देखें, लर्निंग व्हेन टू प्रोवाइड डिटेल एंड व्हेन अ पेज अ जनरल पिक्चर हैज बीन क्रूशियल फॉर मी। आई एम एन इंजीनियर बाय ट्रेनिंग एंड सो आई थिंक इन एक्सट्रीम डिटेल्स, बट सम टाइम करते क्या है कि कॉम्प्लेक्स कर देते हैं आप। लेट्स से मैं दो कंसल्टेंट कंपनीज का, एक कंस्ट्रक्शन और एक कंसल्टेंट कंपनी का ऑनर हूँ, तो हमारी मीटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते देन हाउ वी विल गेट आर रेवेन्यू और प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर क्या करना है, आपको स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है बेसिकली वो क्या सुनना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो अपनी आउटपुट किस तरह से चाह रहा है। और अगर आप जॉब के परस्पेक्टिव में काम करते हैं तो आपके जो इमीडिएट बॉस है, आपकी जो हायरार्की के अंदर आपका जो अपर स्टाफ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना, उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, वर्किंग क्या चाहिए, तो वो पता होना बहुत जरूरी है। ओके, ये पॉइंट कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोई बंदा अगर प्रोफेशनली ग्रो करना चाह रहा है तो उसके अंदर कोलैबोरेट करके चलना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान या कोई शख्स हमें किसी भी फॉर्म के अंदर, फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर अच्छा लगता है और कोई बुरा लगता है किसी के लिए। लेकिन आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में इस तरह से तो आप चल सकते हैं कि जो इंसान आपको बुरा लगे उससे आप थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जब आप वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, किसी आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने अभी पाकिस्तान रेलवे का प्रोजेक्ट किया था, फिजिबिलिटी स्टडी थी जो मेरी कंसल्टेंट फर्म के थ्रू हुई थी, जिसके अंदर हमने 324 किलोमीटर के लॉन्ग रूट को हमने मल्टीपल सिटीज थे और उसके अंदर हमने 704 एम्प्लॉइज को हमने इन्वेक्ट किया था। तो उसके अंदर बेसिकली यह है कि कोलेबोरेट करके चलना पड़ता है। जब इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं तो बींग एन एम्प्लॉय you have to bear some issues, some persons, तो उनको collaborate करके चाहिए, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको आपने appreciate करना है, उनकी जो बुरी बातें हैं उनको आपने नज़रअंदाज करना है। तो ये बहुत important है। अगर आप collaborate नहीं कर सकते तो आपकी position जो है वो थोड़ी सी वो unsecure हो जाती है। तो अच्छा, ये collaboration बहुत important है किसी भी working environment के अंदर। आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, आपको जो काम से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में रखना है, और पॉलिटिक्स वगैरह से इग्नोर करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी कंपनी ग्रोथ के लिए। After all, we don't big things in a vacuum, we build them for and with other people. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी आप खला में कोई चीज़ नहीं करते, आप हमेशा लोगों के लिए और लोगों के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसी के साथ, मतलब लोगों के साथ और लोगों के लिए जब आपने काम करना है तो आपको कोलैबोरेट करके
करना पड़ेगा, ये पिछली बेसिकली स्टेटमेंट को ये सपोर्ट कर रही है। तो अच्छा, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी कि इसके अंदर यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो जितने आपके टेक्निकल मेंबर्स इम्पोर्टेंट होते हैं उतना ही आपका नॉन टेक्निकल स्टाफ भी इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही आपका नॉन टेक्निकल स्टाफ भी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए उनसे कम्युनिकेट करना, उनके व्यूज़ को सुनना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दफ़ा पूरा इस पैराग्राफ को लीड करके मैंने कुछ जगह द मोस्ट यूजफुल स्किल आई हैव लर्न इज एन अप्रिसिएशन फॉर वर्किंग विद द नॉन टेक्निकल स्टाफ मेंबर एट अ कंपनी। दे आर ऑफन द वंस हू नो द प्रॉब्लम्स दैट द कंपनी फेसेस फर्स्ट हैंड, एंड दे आर ऑल्सो द वंस मोस्ट अप्रिशिएटिव व्हेन यू फिक्स दोस प्रॉब्लम। बिल्कुल, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन इंजीनियर, हम क्या करते हैं, हम अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हम मूव करते रहते हैं कंपनीज को। सो किसी ने किसी कंपनी में 2 साल काम किया, 4 साल काम किया, बहुत ज़्यादा देर के लिए किसी एक कंपनी में स्टे करना इंजीनियर अनलेस के वो रिप्यूटेबल फर्म नहीं है लाइक नेस्पा, जहाँ पे लोग स्टे करना पसंद करते हैं, तो लोग मूव करते रहते हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है वो एक तो ये कि वो बहुत अच्छे के लिए वहाँ पे होता है 20-25 साल पर, वो कंपनी के प्रॉब्लम्स को जानते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, आपको जो प्रॉब्लम फेस आ सकते हैं आप उनको डिस्कस कर सकें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजमेंट स्किल्स, बिल्कुल, ये थोड़ा सा मेरा डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि आपको चीज़ों को मैनेज करना, मैनेजमेंट बेसिकली ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ लिंक है, जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस हो गई, आपका टाइम ड्यूरेशन हो गई और आउटपुट आपकी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नो हाउ होना कि हाउ टू मैनेज अ प्रोजेक्ट, हाउ टू मैनेज एन इवेंट, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्किलफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक इंजीनियर को कभी भी वो मैनेजेरियल टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं, आया कि अगर आप कंसल्टेंट फर्म के अंदर हैं तो वो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड आपको टीम का हेड बना के वो आपको सर्वे के लिए भेज दें कि जी आप फलां सिटी के अंदर जाएं, वहां जाके आप उसका सर्वे करें, और जब आप सर्वे करते हैं तो डिफरेंट तरह के सर्वे जो उसके अंदर, जिसके अंदर टोपोग्राफिकल सर्वे जो आपका होता है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है, और आपके डिफरेंट आपके सोशो इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं, लैंड यूज सर्वेज होते हैं, और डिफरेंट और भी इसके अलावा सर्वे होते हैं, तो वो एक इंजीनियर जो है उसको उस टीम को सर्टन टाइम के लिए मैनेज करना पड़ता है। तो जो भी आप वहाँ से अपने रिजल्ट्स या अपने आप अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लेके आएंगे, तो वो उसकी बेस के ऊपर आगे फर्दर प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन होगा और देन कंस्ट्रक्ट होगा और उसके बाद ऑपरेट होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आए, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर आपको सर्टन आपको ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड होगी, जिसके अंदर साइट इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, लेबर है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, मशीनरी ऑपरेटर है, और इसके अलावा भी और भी बहुत बंदे होते हैं जो वहाँ पे फूड सप्लाई, मशीनरी सप्लाई, एक्विपमेंट सप्लाई सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उन सब को मैनेज करना ये बहुत एक हेक्टिक टास्क है। तो किसी भी इंजीनियर के लिए मैनेजमेंट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपेयरेंस का होना बहुत जरूरी है। अपेयरेंस एक इंजीनियर की बहुत मैटर करती है मैनेजमेंट के अंदर। There is a good chance you will be put in charge of a team of engineers, and you will need to be able to keep your people as organized as okay. ये जो मैंने previously मैंने slide पे discuss किया था, इसके अंदर भी वही चीज discuss हो रही है। Okay. कई आपके जैन, मैं आपसे कहूँगा थोड़ा ऊँची बोलिएगा, आवाज़ थोड़ी कम आ रही। Okay.
ओके, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो जी 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 थोड़ा माइक फास्ट कर लें जैन। ओके ओके थैंक यू जी, अब क्लियर आवाज आ रही है? जी जी ओके थैंक यू जी जी बेहतर है। द मोस्ट द मोस्ट यूजफुल स्किल, लेट्स से कि अगर कई हमारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी मैंने आपको भी बताया कि अपेयरेंस जो है मैनेजमेंट के लिए अपेयरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका क्वेश्चन इस तरह का हो कि जी हमारी अपेयरेंस उस तरह की नहीं है, हमारी हमारी हेल्थ कंडीशंस उस तरह की नहीं है कि हम पेपर कर सकते हैं चीज़ों को और मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, तो उस केस में हम क्या करें? तो अपने सॉफ्ट स्किल्स को आप इम्प्रूव करें, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स को आप इम्प्रूव करें ताकि आप बेहतर मैनेजेरियल डिसीजंस ले सकें और आप लीडरशिप के तौर पे आप अपने आप को शो करवा सकें। तो अच्छा, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सॉफ्ट स्किल्स के अंदर बेटर कम्युनिकेशन, अपनी जो स्पोकन लैंग्वेज है उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा फर्म होना उसके ऊपर थोड़ा सा वो ज़रूरी है, टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, और इसी तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी ग्रिप होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो सारे के सारे हैं ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो जो आपकी मैनेजमेंट को और आपकी लीडरशिप को, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो आप उसको बेहतर तौर पर लीड कर सकते हैं, उसके बारे में बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अपने सॉफ्ट स्किल्स को, और ये ड्यूरिंग स्टूडेंट टाइम की आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर तौर पर इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप जॉब में आ जाते हैं तो 8 hours 10 hours एक्टिव टाइम के बाद जो लर्निंग फेज है वो बहुत मिनिमम रह जाता है। तो अपने स्टूडेंट टाइम को थोड़ा सा पॉजिटिव इंगेज करें और अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो उसको इन्हेंस करें, मतलब उसको आपको प्रैक्टिस करें। जिस तरह आप अपने कैरियर के अंदर हायर पोस्ट पे जाते हैं आपको पब्लिक स्पीकिंग की तरफ मूव करना पड़ता है। लेट्स से आप जूनियर इंजीनियर हैं, फिर उसके बाद आप सीनियर इंजीनियर हैं, उसके बाद आप प्रिंसिपल इंजीनियर हैं, उसके बाद आप सब तरह के जीएम लेवल पे जाता है, वीपी बनते हैं, और उसके बाद जैन आपकी आवाज का फिर से इशू आ रहा है, आवाज बिल्कुल कम हो गई है। ओके, अब आवाज आ रही है? जी। हेलो जी, तो मैं यही कह रहा था कि जिस तरह आपका डेजिग्नेशन बाय टाइम और बाय एक्सपीरियंस आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज करता है, और वो डिफरेंट डेजिग्नेशन लेवल्स में आपको बताया था, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है तो असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, और फिर डायरेक्टर, और फिर फर्दर उसके ऊपर अगर इंजीनियर की बात करें तो चीफ इंजीनियर होते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। तो जिस तरह आप अपने मूव करते हैं हायरार्की में ऊपर की तरफ, आपको पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाना पड़ता है, और पब्लिक स्पीकिंग जो ऐसी एबिलिटी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कैरियर के अंदर आगे पब्लिक के प्रेशर को हैंडल करना, उनकी क्वेरीज के अंदर उनको हैंडल करना। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल इस तरह से भी देना चाहूँगा कि जब किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट बेसिकली जिसको हम ईपा डिपार्टमेंट ईपीए डिपार्टमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और इसी तरह ईपा भी है एक जिसके अंदर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी है, तो इन डिपार्टमेंट से एनओसीज लेने पड़ते हैं। फर्दर इन डिपार्टमेंट के अंदर जब आप टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज को बनाते हैं तो उनमें से एक सेक्शन होता है, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूँगा, कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए आपको पब्लिक हेयरिंग जो है वो आपको अरेंज करनी पड़ती है, और उस पब्लिक हेयरिंग के अंदर क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट के से रिलेटेड डिफरेंट सराउंडिंग के, जैसे आप किसी एक एरिया के अंदर एक 47 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके जो सराउंडिंग के एरियाज के जो नेबर्स हैं आपके, वो उस मीटिंग को जो पब्लिक हेयरिंग है उसको वो
उसको वो अटेंड करने आता है, और वो फिर किस तरह की अपनी क्वेरीज को अपने अपने कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो आपका एज अ पब्लिक स्पीकर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर आप बेहतर तौर पर अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड ना कर सके और गवर्नमेंट एनओसी ना दे, तो अल्टीमेटली जो है जो क्लाइंट है जो ओनर है उसको मिलियंस में उसको नुकसान होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग एज एन इंजीनियर। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को डिफेंड कर रहे हैं, उसकी पब्लिक हेयरिंग को डिफेंड कर रहे हैं, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो फिर उसके अंदर यही कि आपके इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज का स्ट्रॉन्ग होना और आपकी कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है। फतेह, मैं इस स्लाइड पर बेसिकली डिस्कस करना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। लास्ट टू स्लाइड्स, एक इंजीनियर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी टेक्निकल एबिलिटीज के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली साउंड हो, हमारी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत वास्ट इंजीनियरिंग है और बहुत ज़्यादा लेट्स से अगर मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं तो उसके अंदर हमारे हाइड्रोलिक्स का भी डिपार्टमेंट आता है, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल का भी सेक्टर आता है, उसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी आता है, उसके अंदर हमारा जीओ का भी आता है, उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट आता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सिविल के अंडर काम करते हैं। और किसी एक समझ लगे नहीं, ये टेक्निकल एबिलिटी से दोबारा जरा बता दीजिए। ओके ओके, तो मैं ये बता रहा था बेसिकली स्टूडेंट्स को कि टेक्निकल एबिलिटीज, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना एक इंजीनियर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आजकल के दौर में जबकि जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, मैं आपको जैसे कि एग्जांपल दे रहा था कि सिविल के अंदर ही हमारे हाइड्रोलिक्स डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और इसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज इसके अंदर काम कर रही है, इसी तरह जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, जियोटेक्निकल साइंसेज है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर है, ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये सिविल के साथ में जरूरी है। तो किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एक फील्ड को चूज कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन, उसके बारे में आपका टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रोफेशनली आगे आगे मूव करने के तो आपको पहले टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले चीज टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो अगर आप रियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करेंगे? लेट्स से यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट और आपके पास अपनी सीवी के अंदर शो करवाने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या शो करवाएंगे? आप अपनी फैमिली या प्रोजेक्ट शो करवाएंगे, आप अपनी टेक्निकल साउंडनेस शो करवाएंगे कि हाउ टेक्निकल यू आर इन द रेलिवेंट एरिया, तो फिर ही कोई आपको ब्लॉक करके डायरेक्टली आउटपुट ले वो। तो उसके लिए भी ये कि आपको आजकल के दौर के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट लेवल पे पहले ही जा पहुँचे, बिगनर लेवल पे शुरू करें, नो हाउ ले डिफरेंट आपके जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में, उसको एक दो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, और इंटरमीडिएट लेवल पर आए फिर ज्वाइन करें किसी को। तो ओके, तो अब इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप किस तरह से इस पोजिशन पर पहुँच सकते हैं। नाउ दैट वी आर ऑन द सेम पेज अबाउट व्हाट स्किल्स यू नीड एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट देयर, हमें किस तरह से अपने उस पॉइंट पर पहुँचना है जहाँ पर हम बेहतर तौर पर प्रोफेशनली हम एक्सेल कर सकें। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट उसके उसके डिफरेंट तरह के तरीके हैं जिससे आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स से थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूँगा कि वो क्या समझते हैं टेक्निकली या जितने भी हमने स्किल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उसको कैसे वो ट्रेन कर सकते हैं, कैसे वो उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है।
जैन लास्ट स्लाइड में आपकी आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा है। कह रहा था कि अभी तक आपने स्किल्स सारे उसको देख लिया है, उससे डिस्कस किया है आपने, तो स्टूडेंट से मैं ये इनपुट देना चाह रहा था कि वो इन सारे स्किल्स को कैसे समझते हैं, कि वो किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, जितनी तरह के भी स्किल्स हमने अभी तक डिस्कस किए, तो इनपुट चाह रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से। ये सेकंड लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हम ये इंटर्नशिप नहीं कर सकेंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल होगा अगले लास्ट ईयर में हम अपनी स्टडीज के साथ इंटर्नशिप के साथ कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल, आज का इसका लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से वो थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं और अपनी कंडीशंस को थोड़ा सा वो रिलैक्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह अब जैसे कि अगर आपने देखा है रिसेंटली कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो फिल्म में रिड्यूस करवाया है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स को और जो डेवलपर्स हैं डिफरेंट उनको टैक्स रिबेट दी गई है, तो इंशाल्लाह आगे नियर फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा सिविल का स्कोप और बहुत ज़्यादा काम निकलता नज़र आ रहा है और बिल्कुल आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आगे करके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। और सर कंस्ट्रक्शन का जो काम ज़्यादातर दिन में होता है, तो जो हम दिन के अंदर हमारे लिए टाइम होंगे मौके होंगे कि इंटर्नशिप हम सेकेंड टाइम या रात के टाइम कर सकें? देखें लर्निंग जो है वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, बस आपकी विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी है। इट डजंट मैटर कि आपकी वो रेलिवेंट फील्ड है भी कि नहीं, अगर इवन के रेलिवेंट भी फील्ड नहीं है और आपकी विलिंगनेस है तो यू विल लर्न आउट ऑफ इट। आप कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको टाइम देंगे थोड़ा सा तो वो आप उससे सीखेंगे, और इवन के ये तो अगर आपकी अपनी रेलिवेंट फील्ड है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने स्पेयर टाइम के अंदर जाके विजिट करना चाहिए। वैसे कि जब मैं स्टूडेंट था तो और मेरे स्टूडेंट के लिए लास्ट ईयर के अंदर ये मेट्रो बस बन गई थी, तो मेरे घर के साथ ही स्टेशन था मेट्रो बस का, तो मैं वहाँ जाके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को देखता था कि वहाँ मशीनरी किस तरह से वर्किंग कर रही है, हमने कितनी मशीनरी पड़ी है और उसका कितना परसेंट यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट जो फील्ड टेस्टिंग है वो किस तरह की कर रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन की पेस है और जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, वो ड्राइंग्स तो मेरे से शेयर नहीं करते थे लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट उनसे जाके डिस्कस करता था, वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनसे डिस्कस करता था। तो आप इवन कि आपको किसी से इंटर्नशिप भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लर्निंग करना चाह रहे हैं आप जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर डिस्कस करें, उनके साथ बैठें, चाय पिएँ, चाय पिलाएँ और सीखें हम को, तो और अगर आप प्रॉपर इंटर्नशिप करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और ये आप मैटर नहीं करता, आप एक घंटे के लिए जाएँ तो आपको आपको कौन पे कर रहा है इंटर्नशिप, तो आप तो यार आपको तो कोई खतरा ही नहीं है, किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं है आपकी, आपने सिर्फ जाना है, टाइम देना सिर्फ अपना, आपके साथ आपकी डायरी होनी चाहिए और जाने से पहले आपके माइंड में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, और जाएँ क्वेश्चन की दरमार करें जो आपको बताने के लिए बैठे हैं, और आप देखेंगे तो उनके पास एक तरीका बताएंगे, तो सर आप आगे नेक्स्ट ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो हम जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखें वो बेहतर है, लेकिन यूनिवर्सिटी हमें इतने सॉफ्टवेयर नहीं सिखाती, तो ये क्या यूट्यूब या इस इंटरनेट से इनफ है कि हम यहाँ से सीख सकते हैं, या हमें इसके लिए वर्कशॉप्स वगैरह या अकेडमी वगैरह ज्वाइन करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास बहुत ज़्यादा HSC ने जितनी ज़्यादा सख्ती करती है, जितनी ज़्यादा कंडीशंस लगा दी हैं, एक एक टीचर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स के थीसिस को सुपरवाइज कर रहा है, वो सिर्फ BS के थीसिस नहीं है, MS के थीसिस हैं, PhD के थीसिस हैं, तो वो और इसके अलावा उसकी अपनी रिसर्च भी उसको शो करवानी पड़ती है, बहुत से काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं, तो एक जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है इन चीज़ों पर, तो किसी भी स्टूडेंट को पाकिस्तान की मैं करंट बात करूँगा कि वो इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ऐसा ऐसी वजह नहीं है कि टीचर्स को सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं आते, वजह सिर्फ और सिर्फ टाइम की अवेलेबिलिटी का बहुत इशू होता है टीचर्स को, तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब भरी पड़ी है,
यूट्यूब से जाके, वही मैंने आपको पहले बताया कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इस बिगिनर लेवल पे आप उसको अंडरस्टैंड करें, किसी भी सॉफ्टवेयर को बिगिनर लेवल पे आप उसके लेक्चर्स देखें, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और उसकी जो उसके टूल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें, और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से, फिर एक हैंड्स ऑन एक जो एग्जाम्पल है, एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वर्किंग करें, तो पहले से सॉल्व हुआ है। जैसे लेट्स से कि आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फेज के अंदर आप प्लान वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो एक किसी जो पहले से जिसके किसी प्रोजेक्ट को जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप थोड़ी बेहतर है जी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपनी पहले बिगिनर लेवल का आप एक्सपीरियंस आप गेन करें फ्रॉम यूट्यूब एंड अदर रेलिवेंट जो आपके प्लेटफॉर्म हैं, और वहाँ से नॉलेज लेने के बाद, बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप बेसिकली अपने आप एक हैंड ऑन एग्जाम्पल के ऊपर आप शिफ्ट करें, जिसके अंदर किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्केजुलिंग की हुई है, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की जो एग्जाम्पल सॉल्व करी हुई है उसको आप एग्जाम्पल को पिक करें, सॉफ्टवेयर के अंदर अपने तौर पर इनपुट करें और उसके फिर आउटपुट शीट्स को देखें कि वो जो एग्जाम्पल सॉल्व है वो उसके साथ मैच कर भी रही है कि नहीं, तो वो आपको लेके जाएगी बिगिनर से इंटरमीडिएट की लेवल की तरफ, तो अप टू सम एक्सटेंट। और जारी बात है कि आप फिर फील्ड में जाके बड़ी चीज़ें अपने सीखें, तो बेसिक क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियर है, आप वो आप ऑब्टेन करें अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस करने चले जाएँ। फिर इसके अलावा सेकंड मैं शिफ्ट करूंगा, अगर आप एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको मास्टर्स और कंपलसरी पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको फिर इसके लिए कंटिन्यूस एकेडमिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप कंसल्टेंट फर्म की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर मैं अगर आपको मशवरा दूंगा कि आप पहले अपना एक दो साल का एक्सपीरियंस लें, आप अपनी फील्ड को सेलेक्ट करें और फिर उस सेलेक्ट की हुई फील्ड के अंदर आप अपना मास्टर्स करें, तो वो आपको मास्टर्स करने में आफ्टर 4 ईयर्स में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ और अपनी मैंने जो 4 साल जिसकी फील्ड की प्रैक्टिस की है मैं उसको फर्दर लेके जाता हूँ मास्टर्स के अंदर, तो मेरे लिए उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी है और मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ उनके अपने क्लास को। तो इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की तरफ कह रहे हैं तो उसके लिए भी आजकल कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंसी फॉर्म के अंदर मिनिमम जो एजुकेशन लेवल है वो हाँ जी। नैन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, काइंडली आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही, काइंडली वो आप ठीक करिएगा। और मेरा सवाल ये था कि मैं मास्टर्स नहीं करना चाहता, मैं बैचलर्स के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मुझे मेजर्स बताएं, सो हाउ कैन बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर, मैं किस तरह बन सकता हूँ और अपने टाइम ज़ाया किए बगैर मैं किस तरह से जो है वो चीज़ें सीख सकता हूँ और एक अपना करियर मेंटेन कर सकता हूँ। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं पहले तो मुझे ये बताएं। मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो जी आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं पहले तो उनको अगर आप, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है बहुत काइंडली, आप थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। तो मैं बेसिकली यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फील्ड की तरफ जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जैसे कि प्रामेगुरा सॉफ्टवेयर हो गया, डिफरेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर हो गया और डिज़ाइन के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में ठीक होना ज़रूरी है, ताकि वो कंस्ट्रक्शन अगर वहाँ पे परफॉर्म करवा रहा है तो उसको ड्राइंग शीट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, वो बहुत ज़रूरी है, और स्केजुलिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। प्लस यही मैं आपको कहूँगा कि जो जो स्टूडेंट्स हैं वो नाइट के अंदर अगर जाके 1-2 घंटे दे सकते हैं, मॉर्निंग में अगर नहीं इवनिंग में अगर कोई टाइम दे सकते हैं,
तो वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे जाके टाइम दें और उनकी देखें कि वहाँ पे बेसिक एक्टिविटीज क्या चल रही है और काम को किस तरह से लेके चल रहे हैं सारे, और ये चीज़ें हों ताकि आप फर्दर जब आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप अगर फील्ड में जाएं तो नहीं, मतलब मैं आपसे एक सजेशन लेना चाह रहा था कि जब हम जाएं तो हम उसमें भी किस फील्ड को पहले चूज करें। फॉर एग्जांपल हम पहले कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की जो मैनेजमेंट है उसे सीखें या डायरेक्ट हम फील्ड में जाकर काम शुरू कर दें। आप पहले फील्ड में जाना पड़ता है, पहले फील्ड में जाना पड़ता है आपको, फील्ड के अंदर जाके सुपरवाइजर के तौर पर आपको सब जो साइट इंजीनियर है उसके तौर पर परफॉर्म करना पड़ता है। आपको बेसिक उसकी मैनेजमेंट का अंडरस्टैंड होना, साइट की प्रॉब्लम्स का अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साइट इंजीनियर के तौर पर परफॉर्म नहीं करते, आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम्स को और उनके सोल्यूशन को एड्रेस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सेकंडली हाउ डज इट लॉन्ग इट टेक टू अचीव सच गोल्स, मतलब कि अगर आपने एक समझ लेके आनी है कि हमें इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना है, मतलब फील्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स राइज हो सकती है उसको किस तरह से टैकल करना है, इन चीज़ों को समझने में कितना अर्सा लगता है? अच्छा, हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली डिपेंड करता है जो आपका प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर और आपकी विलिंगनेस के ऊपर। लेट्स से आप अगर एक रोड के डिजाइन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप ये पॉसिबल है कि आप उसके अंदर लर्निंग उस तरह के लेवल पे ना कर सकें। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था अपना ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे सिर्फ रोड की डिज़ाइन का काम ही हो रहा था। वहाँ पे सब सरफेस जो स्ट्रक्चर था वो भी कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही थी और एट ग्रेड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अबव ग्रेड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और उसके साथ साथ वो बेसिकली डिफरेंट और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जैसा कि हमारी सीवरेज से रिलेटेड है, लेस्को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, सुई गैस से रिलेटेड है। तो अगर जितने बड़े प्रोजेक्ट पे आप जाते हैं उतनी ज़्यादा हैंड ऑन आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा पोटेंशियली इंक्रीज करते हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि ये आपकी विलिंगनेस से भी आपकी ये ज्वाइन होती है। जितना कोई बंदा विलिंग हो तो किसी काम को सीखने के लिए वो उतना ज्यादा सीख सकता है। और दूसरी चीज ठीक है, और ये हम किस तरह से ऑब्जर्व करें कि हमें, मतलब फॉर एग्जांपल इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे यहाँ पर क्या नाम है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम किस तरह से ऑब्जर्व करें कि हमें कौन सी कंपनी में चूज करने है? हमें तो नहीं पता कि फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, ग्रेजुएट हुआ है, उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, 3 महीने उसने काम किया, वो उसे बाद में पता चला कि उसके तो प्रोजेक्ट्स ही बहुत छोटे छोटे से थे, उसको कुछ सीखने को मिला नहीं। तो हम किस तरह से पहले ही अपना टाइम ज़ाया किए बगैर ही ऑब्जर्व करें कि ये कंपनी है, इसमें प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं, इसमें सीखने को मिलेगा, तो हम डायरेक्टली वहीं जाएं? अच्छा, ओके ओके। आप कम्युनिकेट करें अपने सीनियर्स के साथ, कम्युनिकेट करें अपने सेम डिपार्टमेंट सीनियर्स के साथ। लेट्स से अगर कोई सिविल इंजीनियर है, नो मैटर के वो यूटी का है, वो यूओएल का है, वो यूएमटी का है, आप उनसे कम्युनिकेट करें, अपना सोशल सर्कल जो है उसको एक्सपेंड करें। और जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करेंगे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको नो हाउ होगी, ना सिर्फ ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बल्कि आगे आने वाले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि CNW डिपार्टमेंट है, LDA डिपार्टमेंट है हमारा, और NHA डिपार्टमेंट है, बड़े सीनियर्स आपके हैं, अपने सर्कल को एक्सपेंड करें और उनसे कम्युनिकेट करें मैसेंजर के थ्रू। लेट्स से कि शुरू में ही किसी से नंबर ना मांग लें, उससे मैसेंजर के थ्रू आप कम्युनिकेट करें कि जी सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जी लाहौर की, लेट्स से कोई एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि जी मैंने लाहौर सिटी को नहीं छोड़ना, मैं लाहौर से बाहर मूव नहीं कर सकता, कोई लड़की है या लड़का है, तो वो ऐसे LDA को अप्रोच करें, उनके जो कंस्ट्रक्शन ब्यूटी विंग है, अर्बन डेवलपमेंट विंग, उनके ऑफिशियल्स को अप्रोच करें, उनसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में इंक्वायर करें कि किस किस तरह के प्रोजेक्ट आपके अंडर कंसिडरेशन हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके अप्रूव्ड हो चुके हैं। आप ये बात याद रखें, जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाते हैं उनका PC1 परफॉर्मा इशू होता है, तो आप उनसे पूछें कौन से प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव्ड हो चुके हैं, ताकि ये बेहतर तौर पर ये चीज़ है इसका आंसर तो आपको मतलब एक छोटी सी असूल की बात आप कह लें,
कि अगर आप किसी साइट के ऊपर जा रहे हैं काम कर रहे हैं तो बड़े प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, छोटे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा काम सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डिजाइन ऑफिस में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको छोटे डिजाइन ऑफिस में ज्यादा सीखने को मिले, जहाँ पे एक ही बंदे ने शुरू से लेके फाउंडेशन से लेके ऊपर तक एक ही बंदे ने डिजाइन करना है, नस्बत उसके के जो किसी बड़ी कंपनी में जाके डिजाइन कर रहा है तो उसने एक पर्टिकुलर हिस्सा ही डिजाइन करना है उसका, तो वो उस तरह डिजाइन में कम सीखेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज है ना उसके अंदर लर्निंग जो है ना वो भी डिफरेंट होगी, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। जी जी, एक चीज मैं भी ऐड करूंगा, अगर कुछ छोटा प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट है, उसमें होल्ड सिर्फ आप अकेले का है और बाकी सुपरविजन सर सिर्फ आपकी है और बाकी सिर्फ अंडर आपके अंडर सारी लेबर है सर, एवरीथिंग इज इन योर अंडर, तो उसमें आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा है। जी जी, उसके अंदर मैं वही एक चीज शाकर साहब की बात से मैं ऐड कर दूं कि आपने लर्निंग जब स्टार्ट करनी है ना तो आपने किसी के अंडर रह के भी काम करना सीखना कोशिश करनी है कि किसी के अंडर रह के भी काम सीखा जाए किस तरह से, और सुपरविजन में आप मेनली आपका काम ज्यादातर सुपरविजन में रहना है, ठीक है, तो वो भी आपने देखना है। तो आपको दोनों साइड से सीखना होगा कि किस तरह से काम हो रहा है, ताकि आपको ये जब आप ये ना हो कि आप जब ऊपर चले जाएं तो आपको पता ही ना हो कि नीचे किस तरह से लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है, तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स का आइडिया नहीं है, उस तरह से काम होता है उन चीज़ों का नहीं पता, तो ये इसलिए दोनों तरह से जरूरी है। बट सर जो हमारी फील्ड होती है उस पे एक इंजीनियर तो नहीं होता ना काम करने वाला, फॉर एग्जांपल हम अगर नए इंजीनियर जाते हैं फ्रेश इंजीनियर, तो हमारे साथ और भी इंजीनियर्स होंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे जो हमें सिखाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप पहले स्टार्ट जब आप करेंगे तो आप हमेशा जो है ना वो दूसरे जो सीनियर आपके इंजीनियर है उनकी गाइडेंस के साथ ही आप स्टार्ट लेंगे, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इंजीनियर जब भी फील्ड में जाता है ना तो उसके अंडर काफी सारा अमला होगा, ऑलरेडी काफी स्टाफ आपके अंडर होगा, चाहे आप फ्रेश ही जाते हैं तब भी आपने बहुत सारे लोगों को अपने अंडर कंट्रोल करना होगा। वो हो सकता है आपको एक दो महीने की प्रोबेशन दें, आपको सिर्फ सिखाएं कि काम यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे अमले को अपने अंडर कंट्रोल करना होगा, तो आपको उनके लेवल पे जाके समझना चाहिए। जी जी, बाकी जो क्वेश्चन है हम इनको एंड पे देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा एंड की तरफ लेके जाते हैं। बस एक चीज आपने माइंड में रखना, अगर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड की तरफ जा रहा है तो जब तक वो अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, जब तक वो अपने बूट या कपड़े गंदे नहीं करेगा, तो वो कुछ सीख नहीं सकता। पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें बात कर रहे थे, जब आप कंस्ट्रक्शन के अंदर एज अ साइट इंजीनियर जाते हैं, जूनियर साइट इंजीनियर भी अगर आप जाएँ तो वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर्स का एक सुपरवाइजर होता है और वो स्टील स्ट्रक्चर्स को देख रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, उसके नीचे फिर फोरमैन होता है, फिर उसके नीचे लेबर होती है, फिर इसी तरह स्टील स्ट्रक्चर का जब काम हो जाता है फिर उसके बाद उसकी फॉर्मिंग होती है और फॉर्मिंग का फिर एक सुपरवाइजर होता है, वो सारी उसके नीचे फोरमैन होते हैं लेबर। इसी तरह की तीसरी एक्टिविटी आती है कॉन्क्रीटिंग की, तो कॉन्क्रीटिंग का बेचिंग प्लांट होता है, बेचिंग प्लांट के ऊपर जो हमारे जो साइट टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं जो उसका कॉन्क्रीट का, तो वो ये बहुत बड़ा स्टाफ है जो कि एट द सेम टाइम काम कर रहा होता है, वो आप सब उनको देख भी रहे होते हैं, सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं और मैनेज भी कर रहे होते हैं, वो एक साइड इंजीनियर के निशान एक तेजी से इतना।